सो so, आ हाँ कुछ एरर्स है ठीक है तीन सॉल्व करना फाइव क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड आंसर आएगा हाँ कैटल सो कैटल्स नहीं होंगे क्यों क्योंकि जो वर्ड है कैटल वो ऑलरेडी की है रूरल mm -hmm. है सो so, यह गलत हो जाएगा ठीक है सेकंड सेंटेंस देखते हैं द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ अवर ने कंट्री मेनी इनफॉर्मे गलत है ठीक है ध्यान रखना है इनफॉर्मे कभी नहीं होंगे सो हमेशा की इन्फॉर्मे ठीक है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है कि uncountable ਅਤੇ uncountably ਕਦੀ ਆਪਾਂ many ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ many ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ many ਨਾ ਪ੍ਰੂਰਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੂਰਲ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦਾ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਸ਼ੂਡ ਫਾਰ ਹਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਅਨਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਸਿਵਡ them दिखे ना दट मीनस एर्डर नहीं आना द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटिफुल्ड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर अबाउंड मतलब की होंबाउंड मतलब क्या जी ਫੁੱਲ ਆਫ ਫੁੱਲ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਬਾਉਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਨਰੀ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਸਿਨਰੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਸਿਨਰੀਸ ਸਿਨਰੀ ਨਾਟ ਸਿਨਰੀਸ ਤਾਂ ਅਖਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸਿਨਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਨਕਾਉਂਟੇਬਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ अनकाउंटेबल ए काउंटेबल नहीं क्लियर हो नहींदो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट एयर शी हैजेट टू लर्न द अल्फाबैट्स सो इत की गलती है अल्फाबैट्स की गलत है सो so इत की होना चाहिए सी सिर्फ अल्फाबैट ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੁਪੋਜ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜੇਪਾ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 26 ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ट्वेंटी सिक्स सो कि ए बी सी डी एंड सोव टिल कि तक जेड क्लियर हो नहीं ये सो so, इना सारे कंबाइन करके आपने अल्फाबैट सो इंग्लिश थानू पूछा जाए इंग्लिश अल्फाबैट किए तो कहो वन नहीं तुम कि कहो ट्वेंटी सिक्स तो, तो इंग्लिश अल्फाबेट से किन्ने लैटर तीन कहो ट्वेंटी सिक्स सो अल्फाबेट की होंगे ए टू जेड समझ पा रहे हो कि नहीं सो so, अच्छा हूँ जो इन आपन करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल आ फोर लैटरस है ठीक है फोर लैटरसू जोड़ के की बनाता एक वर्ड समझ पा रहे हो कि नहीं सो अल्फाबैट के लैटर है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स लैटरों आप फोर लैटर इत यूज़ किए तो फोर लैटर का की बनाता एक वर्ड तो वर्ड्सू जोड़ के आप बनाने सेंटेंस दिस इज द लास्ट पोर्शन सो अल्फाबेट होंगे कि अल्फाबेट्स अल्फाबैट क्या क्लियर हो गया थे, यस, नेक्स्ट सॉल्व करो देर आर टू स्कोर्स, अच्छा इत वर्ड आप कई बार लिखते डजन की लिखते हैं डजन डजन की होंगे हाँ दर्जन सो टू स्कोर स्कोर नहीं होंगे स्कोर नहीं होंगे स्कोर स्कोर की हों ट्वेंटी ग्रुप ऑफ ट्वेंटी ठीक है स्कोर की होंगे ट्वेंटी जिम्मे डजन की ट्वेल्व डजन कि होंगे ट्वेल्व इस तरह स्कोर कि होंगे ट्वेंटी the children are prone to making mischiefs if they have nothing to do correct so ایتھے mischiefs ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ mischief ਕਿਉਂਕਿ mischiefs ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ okay sheep are economically useful and so they are reared in the hills sheep i have not gone through the letter so i am not away i am not aware of its content i have not gone through the letter mai letter nu halle nahi padhya so mai ode content nahi ana te kehna contents means information bare mein nu nahi pata jo kuch bhi ode vich likhya hai sara kuch ode bare mein nu nahi pata ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੂਰਲ 20 kettles were found wandering on the road again ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇ kettle ਆਣਾ 20 ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਸਣੇ kettles were found wandering on the रूट इफ यू वॉन्ट टू स्पेसीफाई वी कैन यूज बट इतना आप कैटल्स यूज नहीं कर सकते क्या क्लियर हो गया कि नहीं जो टवेंट लिखना है तो फिर आप कैटल्स की जगह एनिमल्स लिख सकते हैं। ठीक है, बफेलोज लिख सकते हैं, साउज लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो कैटल्स नहीं लिखना आपवेंटी नंबर नहीं दसना अच्छा आई शेल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्कस टू कंप्लीट विद विद इन अलॉटेड टाइम करेक्ट सो इतने की गलती है सो मेनी वर्क्स सो वर्क्स नहीं होंगे वर्क इस करके आप मैनी भी नहीं यूज कर सकते कि करेंगे मच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर इंगेज इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। करेक्ट दिस इज रोंग से क्या है मेन ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके दिस इज रोंग आपू पता है कि जो लिखना है तो नाउंड लिखना चाहता है थ्रू टू यूर वर्ड इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ वर्ड समझ पा रहा हूं कि नहीं इतम की गल हो रही है इट इज ए पिटी दैट इवन फाइव ईयरस ओल्ड बॉयज are engaged in hazardous factories 5 years nahi aana kiyana 5 year old kyunki itthe jehda noun hai oh ki hai boys hai te fer je f boys noun hai sada te fer aitta sada noun nahi hona chahida eh ki hona chahida te ki adjective da plural hunda nahi hunda nahi samaj pa rahe ke samaj pa rahe प्रूरल तक केदा होएगा नाउन तो इना चो नाउन है, तो लास्ट चा वाला ही होएगा बॉयस ठीक है वैसे तुसी याद रखो कि आप जो ता तो प्रूरल ईयरस ही होएगा यस और नो बट की आपू इस तरह एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं यस yes. बट जो एडजेक्टिव वांगू यूज़ किया तो फिर एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी लिखा जो मैं दस रहा कि क्लियर हो रहा है कन्फ्यूजन तो नहीं हाँ जी इवन इट इज ए पिट्टी पिटी की होंगे देखो हजेडुअस फैक्ट्रीज के होंगे हजैडुअस हों हानिकारक खतरनाक हजैडुअस फैक्टरीज फैक्ट्रीज मतलब वो ज फैक्टरीज खतरनाक काम होंगे फॉर एग्जाम्पल आपजाम्पल लेते हैं ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਐ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਐ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾ ਹੀ ਐ ਕਿ ਨਹੀਂ yes or no ਯਹਾਂ ਫਰ ਕੋਈ ਅਧਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਬੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਐ ਹੁਣ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਐ yes or no ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਟੀ ਥੈਟ ਇਵਨ 5 ਯਰ 5 ਯਰ 올ਡ ਬੋਇਜ਼ ਆਰ ਇੰਗੇਜਡ ਇਨ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਪਿਟੀ ਹੈ ਤਰਸ ਪਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ கரੈਕਟ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਦਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯ ਡਿਸਪਾਇੰਟਡ ਹੈ ਸੋ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬੋਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर रहे है, ओ वी ठीक है इवन का मतलब क्यों दे? वी क्लियर हो गया मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं ठीक है नेक्स्ट चेक करिए आई गेव हिम टू फाइव हंड्रेड रुपीज नोट फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट रूपी क्यों क्योंकि इतने जो नाउन है वह की है नोट्स तो फिर टू फाइव हंड्रड रुपीज़ नहीं आना रूपी आना क्यों क्योंकि यूज़ किया जा रहा है एज एन एडजैक्टिव तो जो एडजैक्टिव है तो थोड़ी प्रूरल होगा फाइव हंड्रड रुपीज़ हूँ फिर सही से क्योंकि फिर उद रुपीज हो जाएगा नाउन जे नोट लिखे है या नोट्स लिखे है तो फिर जो नाउन की है नोट या नोट्स सिंगुलर या प्रूर बेस से इज इट क्लियर नेक्स्ट चेक करिए नेक्स्ट है इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दो आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस सो ध्यान रखना एडवाइस काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल आ समझ पा रहे हो कि नहीं हाँ एक ए चीज़ भी याद रखनी है आपदर कर लेंगे एडवाइस इस तरह भी होंगे ए डी वी आई एस ई ठीक है सो यूँ एडवाइस यूज करते हैं एज अ वर्ब ए जरा वर्ड होंगे एडवाइस ये आप यूज़ करते हैं एज अ जिमें कि प्रैक्टिस वर्ड होंगे कि वर्ड प्रैक्टिस सो so, प्रैक्टिस भी एस so, -E या सी आंद ठीक है सो पी आर ए सी टी आई एस ई या पी आर ए सी टी आई सी प्रैक्टिस सो so, ए की है वर्ब ए की है ना ठीक है सो so, जो वर्ब वांग यूज करो तो आ लिखोगे ना वागू यूज करोंगे तो आ लिखोंगे ठीक है ए नाउन की गल कर रहे हैं बट एक काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल प्रैक्टिस भी काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल सो इतने एन यूज नहीं कर सकते क्योंकि काउंटेबल ना है ठीक है हुआ द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टड इन मच रेकॉर्ड अमंग इट्स मैंबरस ये मतलब होंगे बिटरनेस કડવાહટ rancor means bitterness kadwahat acha hun itthe koi galti hai correct so itthe is nahi aana k aana hai kyunki ek cheez ta divide nahi ho sakdi na zyada ho gaye ta hi divide ho gaye yes or no committee bandiyan nahi hundi na yes or no so ek banda ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਨਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਲੂਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਰ ਹਾਊਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੰਬਡੀਜ਼ ਐਲਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਸੰਬਡੀਜ਼ ਐਲਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ सो so, अपा आ जोड़ा अपोसटोफियस है ये संबडी तो बाद नहीं लिखते बाद लिखते एलसिस संबडी एलोस्टोफियस क्योंकि इस लिखा गया। एक ही है संबडी एलसिस एल्स मतलब कोई होर somebody else else मतलब कोई सो केस यूज करना है देर इज ए लैक देर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स इन द टाउन एंड मेनी पेरेंट्स डू नॉट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हाँ सो आ गलत है क्योंकि एक गर्ल का स्कूल तो नहीं हो सकता ठीक है सो so, आप इतने की लिखा गर्ल्स स्कूल क्या क्लियर हो गया कंफ्यूजन तो नहीं है थे नेक्स्ट चेक करिए राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इनफॉर्म्ड राशन नहीं होंशन ही होंगे तो जो वर्ड है, है राशन सिंगुलर नहीं हों की होंगे हमेशा रूरल सो so, इत आप हैज नहीं लिखना कि लिखना है द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टिड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ सो इत क्या आएगा वुड ऑफ टेबल द मोराल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी इनकरेजिंग इतने जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बिकॉज तो बाद द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वॉज वेरी इनकरेजिंग द मजोरिटी लाइक रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज हाँ जी लाइक वाई बिकॉज जो वर्ड हों मजोरिटी वह सिंगुलर नहीं होंगे hmm. फ्रूर सो इस करके आप इतने लाइक यूज नहीं कराज करा लाइक ए वराइटी

ये नोटिस करना है कि इतने जो वर्ड यूज किया जिम्मे कि मतलब वो कह बहुत सारिया बुक्स ऑफ़ बुक्स इतनी मीनिंग प्रूर होंगे कि नहीं यस और नो विल सी इतनी मोस्ट लाइकली वैसे कहना चाहिए आर आप चेक कर करेक्ट सो इतज करेंगे मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं ऑफ बुक्स मीनस काफ़ी सारिया किस्म बुक्स, टाइप्स ऑफ बुक्स वराइटी आर द स्पीस स्पाइस ऑफ लाइफ हाँ इतने आर नहीं आना इतने क्या आना वराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ नैक्सट देखो लॉट ऑफ फ्रेंड्स

ठीक है अ फेयर मीन्स नहीं हो सकता की होएगा ए फेयर मीन अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्टिविटीज वॉज पासड ऑन टू हिस बॉस क्या आएगा इंफॉर्मेशन आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ

ते इस तरह भी यूज होंगे दोनों गलत नहीं है नैक्सट ऑल द अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट ध्यान रखना नहीं होंगे हमेशा एविडेंस ठीक है ऑल द तो फिर आप इतनी भी वर नहीं यूज यूज़ करा वॉस कमांडर इन चीफ ऑर्डर लेट एंड द फोरस हैड टू रिट्रीट है इतना गलत हो गया क्योंकि ऑर्डर्स है मतलब फिर इतना होना चाहिए था सी सॉरी ऐदा होना चाहिए था सी क्योंकि ए, ए कमांडर इन चीफ दे ऑर्डर दी गल हो रही ना दे ऑर्डर दी मतलब ऑर्डर है सो इतने आप यूज करा पोस्ट ऑफ यस तो पिछले होंगे कि लास्ट विच लास्ट हैव यू डिपोजिट द प्रोसीड इन बैंक प्रोसीड नहीं आना क्या नहीं? Proceeds. Proceeds, मतलब यू कैन बाय दिजर दैट इज शार्प आर क्यों क्योंकि जो वोड है दैटू शो कर रहा है सिजरसर है कि प्रूरल है प्रोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अलॉट ऑफ फिशेज दैट हिज वाइफ कुकस फॉर हिम सो इतना है अलॉट ऑफ फिश तो आना कहना प्रूरल भी है बट स्टिल एक यूज होगा फिश चेक कर लिया क्लियर हो गया कन्फ्यूजन तो नहीं नैक्सट द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन नॉट ऑफ मारबल्स जो वर्ड है ब्रिक्स एंड स्टोन फ्रेज व यूज करते हैं तो ब्रिक एंड स्टोन कहने कहने हाउस इज मेड ऑफ जो घर बनया है, so of, है वो पत्थर तट दत्थर के इटा इदा नहीं कहने पत्थर के इट का बने नॉट द नॉट ऑफ मार्बल a pair of spect spectacles have been found in the library et has aayega kyunki itthe jehda word use kita gaya ho ki hai a pair this data are very use, so this uh, this nahi aana kyunki jehda word hunda na this oh kide layi use hunda hai hamesha singular de layi this data saanu pata hai datum singular hunda hai but data jehda word hai oh ki hai plural है सो so आपा की लिखेंगे these data are very useful to arrive at correct क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो गया व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन देखो इतने जो जदों तो आपा व्हाट तो सेंटेंस शुरू कर दें किथों व्हाट तो इंटरोगेटिव तो? प्रोनाउन है केड़ा प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज़ कर लें इस तरह देखो जैसे कह देर ठीक है एक किसी सो जमें कह देर डैश ए बुक ठीक है या मैं कह देर डैश सम बुक्स इन्हों दो आपब कि यूज करिए इतें कि यूज करा इतज करा ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ देयर ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੁਕਸ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ देयर ਜਾਂ ਹੇਅਰ देयर ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਟਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਣਾ ਕਿ ਪਲੂਰਲ इ डेरोगेटिव प्रोनाउन जोड़ा होंगे जिमें कि वट हो वट जे मैं कह वट डैश द क्वेश्चन या फिर कह वट डैश सो मैं यूज करूंगा इज की यूज़ करूंगा आर ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕੁਐਸ਼ਨਸ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਇਥੇ ਇਨ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਵੇਅ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੇਅ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੋਏ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦ ਬੋਇਸ ਕੁਐਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਨਾ ਮੈਂ एज आया इतने क्या या? आर इतने भी ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग हम इतने लिखे वट इज द क्रिथीरिया समझ पा रहे हो कि नहीं जो वर्ड है क्रिथीरिया सिंगुलर होंगे के ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਾਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਐਸ অর ਨੋ ਐ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸ ਲੀਡਿੰਗ ਆਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸਨ ਟੂ ਹਿਸ ਫੀਲਡ ਫਾਰ ਪਲੱਗਿੰਗ अर्ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਠੀਕ मैं दसो की क्लियर हो रहा है यस कंफ्यूजन तो नहीं पूछना है कुछ इस